मैं अभी विशालगंज में हूँ, जयपुरा में, और यहाँ पे इस बिल्डिंग पे हम लोग अपने कार्यकर्ता के सभा के लिए आए थे। और कुछ ही देर में यहाँ पे बीजेपी के जो गुंडे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो आगे ये पिंक वाला बिल्डिंग है, ये उनका पार्टी ऑफिस है। यहाँ से करीबन 20-30 लोग आए, आकर देखे किस हालत से हमारी गाड़ियों को मारा गया है, गाड़ियों को बंगारियों की तोड़ फोड़ की गई है। ये एक गाड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी गाड़ी है, दूसरे गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है। और सबसे मजे की बात और आश्चर्यजनक की बात यह है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी थी और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हमें खेद है कि इस तरीके का सरकार है त्रिपुरा में, जहाँ में लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पे हमने ना किसी से कोई बैर करी, ना किसी से कोई झगड़ा करा, बस हम यहाँ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मिलने आए थे और उनसे बात करने आए थे। प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर त्रिपुरा पे, और मैं पूरे त्रिपुरा वासी के लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि इस तरीके का सरकार को आपको उखाड़ फेंकना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे हमला किया जाए। यहाँ पे हमको मारने के लिए जान से धमकी दी जा रही है। हमने अभी पुलिस को बुलाया, डीजीपी को फोन करा, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, नहीं तो हालत देखिए किस तरीके से हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया है। 20 लोग आए, आकर देखे हमारी गाड़ियों को मारा गया है, गाड़ियों को बंगारियों की तोड़ फोड़ की गई है, ये गाड़ी तोड़ा गया है। और सबसे मजे की बात और आश्चर्यजनक की बात यह है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी थी और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हमें खेद है कि इस तरीके का सरकार है त्रिपुरा में, जहाँ में लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पे हमने ना किसी से कोई बैर करी, ना किसी से कोई झगड़ा करा, बस हम यहाँ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मिलने आए थे और उनसे बात करने आए थे। प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर त्रिपुरा पे, और मैं पूरे त्रिपुरा वासी के लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि इस तरीके का सरकार को आपको उखाड़ फेंकना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे हमला किया जाए। यहाँ पे हमको मारने के लिए जान से धमकी दी जा रही है। हमने अभी पुलिस को बुलाया, डीजीपी को फोन करा, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, नहीं तो हालत देखिए किस तरीके से हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया है। हम जो नया मुख्यमंत्री है, वो खुद को क्लीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो बोलिए मैं विशालगढ़ जिला सांगठनिक सभा छिल, किछु कर्मकर्ताদের নিয়ে বিশ্রামগঞ্জের এই স্টেট ব্যাংকের উপরে আমাদের সভা চলছিল। সভা চলাকালীন সময়ে হঠাৎ বিজেপি দলের গুন্ডা বাহিনী এসে এখানে আক্রমণ করে আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা চারিতা লাইট ফ্লাং ছিল আমাদের সফর সঙ্গী, দুটো গাড়িতে করে আমরা এসেছিলাম, গাড়ি দুটোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে, প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, এবং সেই সমস্ত ঘটনা হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ পুলিশের সামনে। আমরা কিছুক্ষণ আগে এসপির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, এসপি বললেন যে পুলিশকে জানানো হয়নি, কিন্তু আধ ঘন্টা আগে আমাদের পিএসওরা সমস্ত মোবাইল তাদের যে পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট সেখানে তারা যোগাযোগ করেছে, পুলিশ এসে পুলিশের সামনেই তার করিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।
गणतंत्र आज के कतटा नग्न होच्छे कोथाय दाड़िये आज के राज्येर मानुष ए राज्येर बिरोधी दलगुली एकेर पर एक घटना घटलेओ राज्येर पुलिस प्रशासन तारा जेगे घुमाच्छे तारा एक दलियों शासन व्यवस्था चालाते तादेरके सहायता करे जाच्छे एखन सीएम एर संगे आमरा कथा बोलेछि उनी तो कथा दिएछिलेन एई धरनेर घटना आर घटबे ना किन्तु एटा कि होच्छे এই নাটক আর কতদিন মানুষ সহ্য করবে গণতন্ত্রের এই কলঙ্কময় অধ্যায় এটাকে মানুষ কিভাবে মেনে নেবে আমরা এই ঘটনাকে সামনে রেখে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস দলের যারা সর্বভারতীয় কর্মকর্তা আমরা তাদেরকে জানিয়েছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আমাদের প্রদেশ লেভেল কর্মকর্তা আমরা তাদের কাছেও জানিয়েছি আমরা তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি सभा है और संगठन को सशक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है ताकि हम लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन सकें और किस तरीके से संगठन को और मजबूत कर सके इसके लिए ये सभा है। आप इस प्रोग्राम में क्या पता है आप लोगों को हालचाल क्या है इसका इसको कांग्रेस में एरिया में क्या हालचाल है? कांग्रेस पार्टी का हालचाल सही है। कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में आप देखोगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ती है और एक सशक्त सरकार को। हम लोग देखते हैं विभिन्न जगह में कांग्रेस भवन को तोड़ दिया, आग से जला दिया, इसके बारे में आप लोग क्या सोचा है? देखिए, जो हुआ है ये बहुत ही दुखपूर्ण है और सबसे बुरा तो ये लगता है कि प्रजातंत्र में यहाँ पे लोगों को ना बोलने का हक है, ना लोगों को अपना मन की जो बात है उसको बोलने का कोई हक है कि इस पूरे देश में सिर्फ एक ही जन की मन की बात सुनी जाती है, बाकी किसी की मन की बात सुनी नहीं जाती। आप लोग 2023 में क्या आशा करते हैं? 2023 में एक सशक्त कांग्रेस सरकार बनेगी और त्रिपुरा प्रदेश के जो लोग हैं जो त्रस्त हो चुकी है उनको एक नई दिशा मिलेगी।